हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। और इसमें हम करने वाले हैं एससी वर्मा के प्रीवियस ईयर जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रेविटेशन कुछ खास नहीं है। अगर आपको वेक्टर आता है और थोड़ा सा स्केलर के साथ हैंडल करने आता है और वेक्टर थोड़ा आता है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कहता है थ्री पार्टिकल ए बी सी है, इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम मैं बी रख देता हूँ, इसका मैं नाम सी रख देता हूँ। तो ए बी सी, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है और इसका भी मास एम है। ये कहता है ये जो ए बी है वो और बी सी है वो आपस में बराबर है, और ए बी बी सी आपस में बराबर है और उनकी वैल्यू डी है और हर एक पार्टिकल मास एम है। यहाँ पर एक पी पी पॉइंट पर कोई पार्टिकल है, इसका भी मास एम है, ए बी ये वाली जो डिस्टेंस है वो डी है। दैट सेपरेशन इज बेसिकली नथिंग बट इट इट इज डी, ये भी डी सेपरेशन पे है। तो कहता है कि डी इस पे फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल। ये जो पी वाला पार्टिकल है, पी वाले पार्टिकल पे, इस वाले पार्टिकल पे कुल कितना फोर्स लग रहा होगा, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है बच्चों। तो इस वाले पे कुल कितना फोर्स लगेगा, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे यार। सिंपल सी बात है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो हर एक पार्टिकल, एक दो तीन चार है तो फोर है, तो हर एक पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा यार। सिंपल सी बात है, पार्शियलिटी कोई किसी के साथ नहीं करेगा। और अट्रैक्शन जो होता है वो लाइन में होता है। तो अगर मैं ए की बात करूँ तो ए को ये जो पार्टिकल पी है वो भी ऐसे खींचेगा, पार्टिकल बी ऐसे खींचेगा और पार्टिकल सी भी ऐसे खींचेगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी को सी वाला ऐसे खींचेगा और ए वाला ऐसे खींचेगा और पी वाला ऐसे खींचेगा। ठीक है, तीन फोर्स। अब खुद की वजह से खुद पे नहीं लगाएगा यार, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सी वाले की बात करो तो सी वाले को बी वाला ऐसे खींचेगा और बेसिकली देखोगे तो ए वाला भी ऐसे खींचेगा और पी वाला भी ऐसे खींचेगा। और अगर पी वाले पे बात करोगे तो पी वाले को ए वाला ऐसे खींचेगा और बी वाला ऐसे खींचेगा और सी वाला ऐसे खींचेगा। मतलब हर एक पार्टिकल को, इच पार्टिकल जो है वो फील करेगा, फील थ्री फोर्स वो फील करेगा हर एक पार्टिकल। ठीक है, बट एक पॉइंट पर थ्री वेक्टर तो रहेगा नहीं। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है। ठीक है, और ये फोर्स मान लो कोई F3 है। तो अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे तीन वेक्टर तो रहेंगे नहीं भाई, इन तीनों का क्या रहेगा भाई, वेक्टर रिजल्टेंट रहेगा। तो वेक्टर रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, तो इन तीनों फोर्स का जो नेट रहेगा वो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट P पर इन तीनों का वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोई अकेला थोड़ी, तीन थोड़ी रहेंगे भाई, तीन फील कर रहा है लेकिन तीनों का एक रिजल्टेंट वो फील करेगा। तो अब तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, किसी दो वेक्टर का ले लो, फिर तीसरे का ले लो, फिर प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ मैं हाँ पी पॉइंट वाले पे बात करूंगा। तो पी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो चलो, सिर्फ अगर पी पॉइंट के बात करोगे तो इस पी वाले पे एक इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का मैं नाम रख देता हूँ कुछ समथिंग लाइक F1, और इधर की डायरेक्शन में लग रहा वो लग रहा है समथिंग लाइक F2। ठीक है, और यहाँ से जो इधर लग रहा है, जो B लगाएगा इसको, P वाले को, इसका मैं नाम रख देता हूँ F3। तो अब आप देख रहे हो, अब एक पॉइंट पे तीन वेक्टर है, तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे ले लो, या F2 और F1 का एक साथ ले लो, समझ रहे हो, F2 और F1 का एक साथ ले लो जो थ्री की डायरेक्शन में जाएगा और फिर ले लो, या किसी भी दो का पेयर बना के तीसरे के साथ ले लो। ठीक है, तो दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है इनका रिजल्टेंट लेने का कि F2 और F1 मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इनके कंपोनेंट कर दो तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये तीन तरीके से मैं ले सकता हूँ, और एज यू लाइक, एज यू विश, आप जैसे मैंने कहा वैसे ले सकते हो। एक्सप्लेन करना हमारी जिम्मेदारी है, कॉन्सेप्ट को समझना आपका मतलब समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं कंपोनेंट करके ही ले लेता हूँ। तो ये सेपरेशन कितना है बोलो, डी, और ये भी सेपरेशन है डी। तो ये वाली सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी ना हमें,
ये सेपरेशन कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, तो हाउ मच, ये कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा डी रूट टू, ठीक है। और उसी तरह से ये अगर सेपरेशन डी है, ये वाला सेपरेशन डी है और ये भी डी है, तो ये सेपरेशन पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा भाई, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये वाली जो सेपरेशन है वो भी रूट टू डी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सेपरेशन निकल गया, तो जब सेपरेशन निकल गया तो ए और पी के बीच में फोर्स, ये ध्यान रखना ये पॉइंट पी है, तो ए और पी के और इसके बीच का सेपरेशन मुझे पहले से पता है, बी और पी के बीच पहले से पता है डी है, तो ए और, हाँ, ए और पी के बीच का जो फोर्स है उसका नाम एफ वन रखता हूँ, तो एफ वन की वैल्यू आ जाएगी और जी एम स्क्वायर, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर डी रूट टू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2D स्क्वायर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो पी, जो सी लगाएगा पी पे, ठीक है, जो सी लगाएगा पी पे मतलब पी सी के बीच का जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो कितना आएगा भाई, तो पी सी के फोर्स का उसका नाम क्या रखा हूँ मैं, एफ टू, तो यह आ जाएगा जी एम स्क्वायर प्लस इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है, रूट टू डी का स्क्वायर, तो रूट टू डी का स्क्वायर कितना आएगा भाई, तो जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2D स्क्वायर, ठीक है। अब बचा भाई कौन सा, ये, ठीक है, पी, जो बी लगाएगा पी बी के बीच का जो फोर्स है, जो बी लगाएगा पी पर, ठीक है भाई, एक्शन रिएक्शन है, तो जितना बी लगाएगा पी पे उतना पी लगाएगा बी पे, और उसका नाम रखा हूँ मैं F3, और उसकी वैल्यू होगी जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू और इनके बीच का सेपरेशन डी का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास तीन फोर्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है और ये वाला फोर्स है, ये तीन फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर गए, तो अगर ये तीनों फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर गए तो इनकी जो वैल्यू है, अब मैं कॉम्पोनेंट करने जा रहा हूँ, अच्छे से आप देखना, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं ये एंगल, ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये डी है और ये भी सेपरेशन डी है, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, तो ये 90 है तो ये कितना होगा, 45 होगा, तो ये भाई कितना होगा, ये भी 45 होगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसका कंपोनेंट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, F2 का कंपोनेंट, F2 का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट F2 का इधर आएगा जिसका मैं नाम रखता हूँ, आप एक बार, मैं रिजोल्यूशन आपको यहाँ करता हूँ, ठीक है ना, ये रहा पार्टिकल पी, तो पी पार्टिकल पे वर्टिकल में पहले ही F3 लग रहा था, इसके कंपोनेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे F3 लग रहा था, और ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है और इस लाइन से 45 डिग्री पर अपना F2 जा रहा था, ये है 45 डिग्री पर F2, और इस लाइन से इधर 45 डिग्री पर अपना F1 जा रहा था, ठीक है। तो भाई इनके रिजल्टेंट लेने के लिए बहुत आसान है, तो F2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा F2 sin 45, और F2 का एक कंपोनेंट वर्टिकल में जाएगा जो होगा F2 cos 45, ठीक है। और यहाँ पर जब कंपोनेंट मैं करूँगा F1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, F1 जो होगा F1 sin 45, ठीक है, क्योंकि ये एंगल 45 है, तो इसी का एक कंपोनेंट वर्टिकल में जाएगा वो होगा F1 cos 45। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, देख रहे हो, ये वाला कंपोनेंट, ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो नेट मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट फोर्स ऑन पी पार्टिकल पे जो बनेगा वो बनेगा एफ नेट, वो आ जाएगा अपना F1 cos 45 प्लस F2 cos 45 प्लस F3 की वैल्यू, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ लो, F1 F2 मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो 2 टाइम्स F1 cos 45 और प्लस F3, अब सबकी वैल्यू रख दो, तो सबकी वैल्यू रखोगे तो देखो कुल कितना बनता है, तो मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, तो 2 टाइम्स F1 की वैल्यू जी एम स्क्वायर और यह आ जाएगा 2D स्क्वायर, और cos 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 1/√2, और F3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो F3 की वैल्यू देखो, F3 पहले ही निकाल चुके हो, ऊपर देखो यहाँ GM² D, तो F3 की वैल्यू आ जाएगी GM² / DS², तो जो बचा उसको कॉमन ले लो, इस 2 ने इस 2 को खा गया, तो
तो जी एम स्क्वायर और डी स्क्वायर और ब्रेकेट में बचा 1/√2 प्लस 1। इसका मतलब ये होगा कि जो फाइनल सोल्यूशन है वो अपना आ जाएगा फाइनल सोल्यूशन जी एम स्क्वायर 1 प्लस √2 और डिवाइड कर दूँ प्यारे बच्चों डी स्क्वायर √2 से, तो दिस इज़ द नेट फोर्स। तो ये आप कई तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है वो वैसे द फाइनल। दिस इज़ द वेरी गुड क्वेश्चन और आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार जी एम स्क्वायर √2 एक बार आंसर इसका चेक कर लो, अगर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।